अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकिया और आज हमारी किचन में एक सिंपल सी रेसिपी बन रही है जो कि अक्सर कश्मीर में भी और कश्मीर से बाहर भी बनाई जाती है। बहुत सस्ती, टिकाऊ और सुंदर रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग करी। ये मैंने उबले हुए तकरीबन 14 एग्स लिए हैं और इसमें ये प्याज पड़ेंगे। ये ब्रोकली बनानी है, ये मैं आप बाद में बताऊँगी ये कैसे बनानी है। तो अब आप कहेंगे कि ये बेसिक सी रेसिपी मैं क्यों बता रही हूँ। वो इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर यहाँ पे कहीं पे कमरा लेके उसमें रहते हैं, तो उन्हें ये बेसिक रेसिपीज़ जो हैं ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। या बाहर जो हमारे बच्चे जाते हैं, वो अक्सर मेरा भांजा है वो कभी मुझसे पूछता था ये चीज़ कैसे बनानी है, ये चीज़ कैसे बनानी है। तो एक मेरा मेन मकसद ये भी है कि मैं राइड के लिए ये चैनल जो है ये उसके लिए भी शुरू की है, ताकि वो इससे रेसिपीज़ देखे और आराम से वहाँ पे बना ले। तो हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है और उसके बाद जितने हमारे पास ये एग्स हैं, ये फोक हमने ले लिया है और सभी एग्स में हम हल्के हल्के से सुराख कर लेंगे। तो जितने भी एग्स हैं उनमें सुराख करेंगे। तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया है, प्याज हमने काट दिया है। मिलते हैं, ये जब इनमें सुराख सब में हो जाएंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। इसमें जो सुराख करने के ये दो मेन वजह हैं। एक ये कि जब आप तेल में डालेंगे इसको, आपका अंडा जो है वो फटेगा नहीं। कभी ऐसा होता है ना, छींटे आ जाती हैं, तो ये है इसमें एक वजह। और ये है कि जब हम इसे करी में डालेंगे, उसका जो मसाला है वो सारा इसके अंदर चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखें, ये कढ़ाई जो है लोहे की कढ़ाई है और बहुत बड़ी कढ़ाई है। इसमें ज़्यादातर जो सालन है वो मैं इसमें इसीलिए बनाती हूँ ताकि कहते हैं ना कि अगर आयरन की कमी हो तो उसके लिए भी हमें लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोहे की कढ़ाई में सालन बनाएं और फिर उसे बिलाशक आप दूसरे बर्तन में उलट दें। और ये अंडे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, हमारे जो अंडे हैं ये बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं और कोई भी अंडा इनमें से फटा नहीं है। वो यही वजह थी कि जो हमने इसमें पहले सुराख कर लिए। अच्छा, फोक से भी आप सुराख कर सकते हैं और आप इसको टूथपिक से भी आप इसमें सुराख कर सकते हैं। अब हम इसी तेल में प्याज को फ्राई करेंगे। ये हम इसी तेल में, ये चार बड़ी प्याज मैंने फ्राई की है और ये इसी तेल में हम डाल देंगे। और देखें, ये प्याज का कलर जो है ये बिल्कुल चेंज हो रहा है। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। और ये एक चम्मच अदरक का पेस्ट। और ये इसमें जाएगा हाफ टी स्पून जीरा। हाफ टी स्पून जीरा भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये इसमें जाएगी एक टी स्पून हल्दी। और ये 3 टीस्पून के करीब इसमें मिर्च। और
इसमें मैंने बिल्कुल प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं, उसका टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, ना कोई प्यूरे वगैरह इसमें डाली है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है ये। और ये इसमें मैंने डाले तकरीबन 3-2.5 चम्मच के आसपास सॉल्ट। ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें पकाना बहुत ही फायदेमंद है हेल्थ के लिए, जिन है बच्चों के लिए खासकर आयरन की कमी रहती है, और जो बच्चे बाहर रहते हैं उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होता है, तो या घर में भी बच्चे जो हैं वो कहाँ पालक या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयरन भरपूर हो। तो इसलिए अगर आप आयरन भी आयरन की कढ़ाई में भी पकाते हैं तो उन्हें इससे भी थोड़ा बहुत आयरन जो है वो मिल जाएगा। और ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको भून लिया है और बिल्कुल ये स्मूथ सा पेस्ट सा इसका बन गया है। ये जो अंडे मैंने उबाल के रखे थे ये मैंने इसमें डाल दिए, और इनको आप ज़रा सा इसमें भून लें ताकि अंडे जो है उन पे भी एक अच्छा सा कलर आ जाए। और ये मेरे पास है 2-3 हरी मिर्चें, ये मैंने इसमें छोटी छोटी करके काट के डाल दी हैं। ये देखिए अंडे पे कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। ये देखें, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तो इसमें आप तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर लें, क्योंकि ये जो अंडे होते हैं थोड़ा सा इन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की कि ये बॉईल हो जाएं ताकि टेस्ट जो है वो इनमें चला जाए। और ये मैं इनमें अब डाल रही हूँ तकरीबन 1-1.5 चम्मच के आसपास मैंने इसमें पिसे हुए सौंफ डाल दिए। देखिए बिल्कुल कम इसमें मैंने मसाले डाले, और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है जो कोई भी देखे आराम से बना ले। ये देखिए अब हम इसे उबाल आने तक इंतज़ार करते हैं। ये देखिए हमारी जो एग करी है ये उबल रही है और इसका पानी भी जो है वो जज्ब हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और ये है हमारे एग करी का फाइनल लुक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।